कोरोना के नए वेरिएंट के बाद देशभर में सतर्कता बरती जा रही है और आज मॉकड्रिल पूरे देशभर में की जाएगी। इस वक्त मैं देहरादून के दून अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर कोविड को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं उसको हम आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए ये कोविड वार्ड है और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी जो व्यवस्थाएँ हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद पहले से ही कर ली गई थी। पहले भी जो दून अस्पताल था वो कोविड हॉस्पिटल था और यहाँ पर बड़ी संख्या में कोविड मरीज आ रहे थे। उसके साथ साथ अगर क्योंकि बीच में स्थिति सामान्य हुई थी, सामान्य स्थिति के बाद फिर से जो कोविड की दस्तक हुई है उसके बाद दून अस्पताल में इसी तरह से कई वार्ड कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट हैं उनके लिए बनाए गए हैं। आप देखेंगे तो मॉकड्रिल आज की जा रही है, जो सीएमएस हैं दून अस्पताल के वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो व्यवस्था देख रहे हैं। उसके बाद जो नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग हैं कोविड के लिए दून अस्पताल में नियुक्त किए गए हैं वो यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। यदि कोविड की फोर्थ वेव आती है, दिक्कतें होती हैं, तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद रहेंगी। डॉक्टर अनुराग हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब किस तरह की अभी तैयारियाँ हैं? देखिए कोविड की पहली सारी वेव में हमारा सेंटर जो है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंट रहा है उत्तराखंड के लिए और हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। ये जो एक 9 बेड का आईसीयू वार्ड है ये हमने शुरू से ही कोविड के लिए रिजर्व रखा हुआ है। पिछले 3 महीने से कोई भी पेशेंट यहाँ एडमिट नहीं हुआ है और आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद वेव बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन हम लोग की तैयारी पूरी है। हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग रीट्रेनिंग हम सब दोबारा कर रहे हैं, सभी को पीपी किट पहनना, कैसे डील करते हैं मरीजों से, किस तरह ऑक्सीजन का इलाज किया जाए, ये सब की दोबारा ट्रेनिंग की जा रही है। हमारे पास पीपी किट, मास्क, सभी दवाइयाँ बहुतायत में हैं, इस तरह की कोई भी कमी नहीं है। और अगर किसी भी ऐसी स्थिति में कि केसेज बढ़ते हैं तो हमारा पूरा अस्पताल लगभग 500 कोविड मरीजों को लेने के लिए पूरी तरह तत्पर है। इसी में हम लोगों ने अपना ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह सभी रनिंग है और जैसा कि पिछली वेव में भी कभी भी ऑक्सीजन कमी यहाँ नहीं होने पाई है। तो हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो प्लांट है हमारे यहाँ, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो अभी ऑक्सीजन की जितनी मात्रा हमारे पास है और अगर कैसी रहेगी स्थिति? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि हमें पिछली वेव में भी ऑक्सीजन की कभी भी कमी नहीं हुई है, तो ऑक्सीजन के प्लांट और ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। 3 बड़े प्लांट जनरेशन प्लांट हैं और 11 टन का हमारा ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट भी है, इसके अलावा सिलेंडर भी हैं, तो ऑक्सीजन बहुत आयत में है। बेड कितने सारे हमारे हैं, हमारे पास अभी कितने बेड? बेड अभी तो हम लोगों ने करीब 30 के आसपास ही बेड इसमें इंक्लूडिंग आईसीयू रिजर्व किए हैं और किसी वजह से अगर ये संख्या बढ़ी तो ये पूरी बिल्डिंग 150 मरीजों को और पूरी बिल्डिंग जो हमारे अस्पताल की है वो टोटल 500 मरीजों को ले सकती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कोविड की यदि फोर्थ वेव आती है तो उसके लिए दून अस्पताल में पूरी व्यवस्थाएं या कर ली गई हैं, ऑक्सीजन प्लांट या लगा हुआ है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, बेड की है पर्याप्त व्यवस्था की दी गई है, जो आईसीयू में कन्वर्ट किए गए हैं, इसके साथ साथ ही सारे जो प्रोटोकॉल हैं कोविड को लेकर वो सारे अपनाए जाएंगे, डॉक्टर यहाँ नियुक्त कर दिए गए हैं, यदि किस तरह की दिक्कत आती है तो पूरी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद की जाएंगी। हम अपने यहाँ हमारी तैयारियाँ तो पहले से थी, लास्ट ईयर से, लेकिन इस समय हमको फंक्शनैलिटी देखनी थी क्योंकि लगभग 1 साल होने जा रहा है जबकि कोविड के केसेस कम हो चुके थे और अब लगभग काफ़ी कुछ कम ख़त्म उकसा हो गया था। तो अब जो है फिर से एक बार पड़ोसी देश में जो है दस्तक दी है, इसने तो हम लोगों को तैयारियां अपनी रखनी चाहिए पूरी, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है आज पूरे हिंदुस्तान भर में जो है मॉकड्रिल का ये किया गया है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, हमारे पास कितने बेड्स हैं, ऑक्सीजन जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी, तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया स्थिति में है और किसी भी किस्म की आकस्मिक कोई अगर इमरजेंसी आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं।